नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कोरोना वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की भर्ती रोकने का आदेश। विनिर्माण खनन बिजली क्षेत्र में खराब प्रदर्शन से जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 10.4% घटा। आत्महत्या व मानसिक स्वास्थ्य कानून में भी संगतियों का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। नीट 2020 के लिए दिल्ली में होंगे 111 परीक्षा केंद्र, वही उत्तर भारत में सबसे ज्यादा 320 सेंटर यूपी में। अगस्ता वेस्टलैंड मामला, पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई ने मांगी इजाजत। बेंगलुरु दंगों से जुड़े 2 मामलों पर जांच कर सकती है एनआईए, कर्नाटक हाईकोर्ट को दी जानकारी। एनएलएसआईयू को प्रवेश परीक्षा कराने की इजाजत, लेकिन नतीजे जारी करने की अनुमति नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पूर्ण अधिकार नहीं, महिला ने की थी उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी। ओबीसी ने कहा कि देश का शीर्ष नेतृत्व चीन विवाद पर कार्रवाई से नदारद। बीजेपी ने सांसदों को 14 को राज्यसभा में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया। समिति ने कहा कि डिजिटल न्याय सस्ता और तेज, कोरोना महामारी के बाद भी जगा रहे वर्चुअल अदालतें। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का एनसीबी ने किया भंडाफोड़, 7 लोगों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय पेंशन धारक 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे प्रमाण पत्र। कर्नाटक के मंदिर के 3 पुजारियों की हत्या, हुंडी में सिक्के छोड़, नोट लेकर भागे चोर। आयुध फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण प्रक्रिया पर नजर रखेगा मंत्री समूह। भारत चीन की सीमाओं के बीच अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की वार्ता की संभावना। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार समझती है कि कोरोना से जंग खत्म, केवल कंगना से बची है लड़ाई। 15 फिल्मी सितारे और 25 ड्रग पैडलर पर कार्रवाई करने को तैयार एनसीबी, बड़े कनेक्शन का होगा खुलासा। कोरोना की चपेट में आए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अफताब शिवदसानी। कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा आपकी चुप्पी पर इतिहास करेगा फैसला। WFI ने कहा कि डोप टेस्ट में नाकाम रहे 12 पहलवानों को लौटाने होंगे पदक व प्रमाण पत्र। एल्बाट्रास के बावजूद शुभंकर पुर्तगाल मास्टर 2020 गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त 93वें स्थान पर। जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 6.0 मापी गई तीव्रता। इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए बहरीन ने किया शांति समझौता, ट्रंप ने की घोषणा। येल यूनिवर्सिटी ने कहा कि मस्तिष्क पर हमला बोलकर ऑक्सीजन को खत्म कर रहा है कोरोना वायरस।